अस्सलाम वालेकुम ग्रेट एंड होपफुली यू ऑल विल बी फाइन। टुडे डेट इज़ 24 अगस्त 2020। इट्स माई 38th लेक्चर एंड डे इज़ मंडे। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉम्प्रीहेंशन। इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 72। वी आर रीडिंग यूनिट नंबर 6, टेलीविजन वर्सेस न्यूज़पेपर। वी हैव कम्प्लीट द रीडिंग एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट 6 क्वेश्चन आंसर्स आई विल डिस्कस टुडे एंड क्वेश्चन नंबर 7 यू विल राइट टू योर ओन। सी Which medium do you prefer for news? Why? So you will write your own opinion and your own experience with medium you want to prefer. You want to read newspaper, you want to see television to know about news updates. So it is your home task. You have to write the answer to your own. And first 6 questions I shall discuss today. How is a newspaper more convenient medium of news? Just see the answer. Answer is newspaper is a more convenient medium of news because busy people may read it at any time. यानी जो जितने busy people हैं वो उसको किसी भी वक्त किसी भी time पे जो है read कर सकते हैं। They do not require to sit at a specific place and read the news. So they don't need to sit in a specific place. उन्हें किसी ख़ास जगह पर बैठना नहीं पड़ता, उन्हें किसी ख़ास जगह पर बैठने की ज़रूरत नहीं है खबरों को पढ़ने के लिए। They can carry the newspaper with them to the bus or van. They can also read important news and they may skip the news that they are not interested in. So they can skip the news and they can carry newspaper from anywhere, even in a bus or a van. यानी बस या वैन में भी ले जा सकते हैं और वो जहाँ पर यानी जो भी न्यूज़ स्किप करना चाहते हैं वो इसको स्किप कर सकते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 2। हाउ डज अ व्यूअर गेट रिस्ट्रिक्टेड वाइल वॉचिंग टीवी न्यूज़? ये जो भी व्यूवर्स हैं ऑडियंस हैं वो रिस्ट्रिक्टेड कैसे होंगे जब वो टीवी में न्यूज़ देखेंगे? द आंसर अ टीवी व्यूअर इज रिस्ट्रिक्टेड वाइल वॉचिंग टीवी बिकॉज ही इज रिक्वायर्ड टू बी एट अ स्पेसिफिक प्लेस एंड एट अ सर्टेन टाइम इन ऑर्डर टू वॉच और लिसन टू द न्यूज़। आई हैव डिस्कस्ड इट व्हेन आई वाज रीडिंग द न्यूज़। ही कैन नॉट कैरी टीवी विद हिम इफ ही इज बिजी। ही कैन मिस एनी इम्पोर्टेंट न्यूज़। ही कैन नॉट स्किप द unimportant news. So these are the things which restricted the man to see TV. Question number 3. In what way viewing news on TV is easier than reading newspaper? So answer is watching news on TV is easier than reading a newspaper in certain ways. We can view more news with little or no effort. कि हम थोड़े से वक्त में और किसी भी एफर्ट के बगैर हम न्यूज़ को हैं वो समझ सकते हैं और देख सकते हैं। वी डू नॉट रिक्वायर एनी मास्टरी ऑफ लैंग्वेज बिकॉज एवरी थिंग इज़ विजुअल और ऑडिटरी। अ कॉलम पर्सन कैन ईजीली वॉच टीवी एंड ही कैन ईजीली अंडरस्टैंड द न्यूज़ ऑन टीवी। सो कॉमन पर्सन कैन ईजीली अंडरस्टैंड द न्यूज़ एंड ही डोंट नीड टू मास्टरी एनी लैंग्वेज। Question number 4. How do newspaper give us more in-depth coverage? So I have also discussed it is given in a paragraph C. Newspaper give us more in-depth coverage because editorials and column writers can give us their expert view and analyst that we can read and understand easily. Why do some people read more than one newspaper? Many people also opt to read more than one newspaper a day so as to get different viewpoint of the story and to check for its validity. Readers can also give feedback to the articles by writing to the forum pages. So I have also discussed a lot when I was reading the test that why the people are reading more than one newspaper. They want to see the validity and the authenticity of the news.
एंड दे कैन आल्सो राइट देयर ओन ओपिनियन इन फॉरम पेजेस. हाउ कैन रीडर्स गिव फीडबैक टू द न्यूज़पेपर आर्टिकल? रीडर्स कैन गिव फीडबैक टू द आर्टिकल्स बाय राइटिंग टू द फॉरम पेजेस. व्यूअर्स ऑफ द टीवी न्यूज़ कैन नॉट गिव फीडबैक बिकॉज द न्यूज़ फ्लाइज टू फास्ट फॉर एनी फीडबैक टू बी रेलिवेंट. सो आई हैव ऑल्सो डिस्कस दैट द रीडर ऑफ द न्यूज़पेपर दे कैन गिव देयर ऑन ओपिनियन देयर ऑन फीडबैक अबाउट द न्यूज़ बट द व्यूअर्स ऑफ द टेलीविजन कैन नॉट गिव देयर फीडबैक. सो आई होप यू विल बी एबल टू डू इट. इट इज़ योर होम टास्क दैट यू हैव टू डू दीज फर्स्ट सिक्स क्वेश्चन आंसर्स एंड वन द लास्ट वन यू हैव टू राइट द आंसर टू योर ओन. इट विल बी योर होम टास्क. दैट्स इट क्लास. अल्लाह हाफिज़.